मौसम को लेकर मौसम का बड़ा अपडेट। उत्तर भारत में अब पड़ेगी कपकपा देने वाली ठंड। केरल तमिलनाडु में तेज बारिश का अलर्ट। देश के उत्तरी राज्यों में गुलाबी ठंड शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के माने तो अभी जो है तापमान इस तरह का बना रहेगा। नवंबर के दूसरे हफ्ते के अंत तक जो है इसमें गिरावट आने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद ठंड का एहसास बढ़ने की उम्मीद है। वही मौसम विभाग ने जो है आज तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल केरल माहे में जो है बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, यानी बारिश को लेकर संभावना व्यक्त की है। वह दिल्ली में फिलहाल जो है रातें ठंडी होने लगी है, लेकिन फिलहाल जो है राजधानी में कपकपा देने वाली ठंड शुरू होने में भी समय लग सकता है। मौसम विभाग के माने तो इस पर जो है पूरे हफ्ते जो है इस बार दिल्ली में सुबह के वक्त जो हल्की धुंध छाई रहेगी। दिन में तापमान जो है तेजी से यहाँ पर तापमान जो है तेज धूप वाला रहेगा, यानी दिन में तेज धूप रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 33, न्यूनतम 18 के आसपास रहने के आसार जताए गए हैं। यानी तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। वह निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी क्लाइमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जो है देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश होने की संभावना है। यहाँ अगले 24 घंटों के दौरान जो है तमिलनाडु केरल में हल्की मध्यम बारिश होने के आसार है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। वे पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरी में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा लक्षद्वीप में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर में भी जो एक वे जो है बहुत खराब श्रेणी में रिकॉर्ड व्यापित किया जा रहा है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी क्लाइमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। वही दक्षिण बंगाल की खाड़ी और मध्य भागों में एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जिसकी वजह से जो है मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। वैसे वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें रोजाना मौसम समाचार प्राप्त करने के लिए।